कि जब भी करेंसी एक बड़े लेवल को तोड़ता है तो बहुत बड़ा मूवमेंट देता है ओके तो करेंसी में हर वक्त ट्रेड करने की रिक्वायरमेंट नहीं बड़े लेवल आइडेंटिफाई करके बैठे रहो क्यों ऐसा होता है कि जब भी बड़े लेवल को तोड़ता है बड़ा मूवमेंट क्यों होता है क्योंकि आरबीआई जो है वो भी अलर्ट रहता है और जब भी बड़ा मूव होता है ना आरबीआई भी भागता है अपना ट्रेड को अप करने के लिए Okay. और बड़े बड़े इंपोर्टर्स एक्सपोर्टर भी आते हैं मार्केट के अंदर में अपना पोजीशन को बिल्ड करने के लिए तो जब बहुत बड़े बड़े लोग एक प्राइस पॉइंट का ब्रेकआउट पे जंप करते हैं तो मार्केट फटाक करके रिएक्ट करता है ये 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 देखो जैसे जो एक एक रिएक्शन रिएक्शन था था से लेके सीधा ये एक दिन का क्यों क्योंकि जितने लोगों ने शॉर्ट पोजिशन बिल्ड कर रखा था मतलब जितने लोगों ने बेच रखा था वो लोग भाग के आए अपना पोजिशन को काटने के लिए ओके okay. और टिपिकली पोजीशन कौन काटता है या तो होगा हो मेरा, मेरा तो तो मार्केट में वो अपना पोजिशन को अप करने के लिए राइट सो ऑलवेज करेंसी के अंदर में लुकआउट फॉर की लेवल्स जब उस लेवल पे ब्रेकआउट हो देन यू शुड पार्टिसिपेट यू मे नॉट पार्टिसिपेट ऑल दाइट एक और क्वेश्चन था सर इसमें जैसे इसमें भी इंट्राडे कर, कर सकते हैं इसमें मॉर्निंग नाइन ओ क्लॉक से इवनिंग फाइव ओ तक मार्केट लाइव रहता है ओके। तो आप इंट्रा डे कर सकते हो बट इंट्रा डे में आपको बहुत ज्यादा इसमें मूवमेंट नहीं मिलता है ओके उसका एडवांटेज भी है अगर इंट्राडे बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं मिलेगा तो आपको एक रेंज में खेलने का मौका मिल जाएगा अगर आपको इंट्रा डे करना है तो चलो आप इसको थर्टी मिनट्स का चार्ट देखो ये देखो मिनट का चार्ट अगर तुम देखोगे तो ये रेंज देखो ये ऐसे ऐसे ये करेंसी का एडवांटेज है ओके इक्विटी जब चलता है कमोडिटी चलता है ना तो एक तरफा चलता है हुँ। सरक, सरक। हुँ तो उसमें फायदा भी है कि एक तरफा चलेगा तो हमको पैसा भी बहुत मिलता है करेंसी जनरली रेंज में मूव करता है ये रेंज देखो यहाँ पे और जब वो रेंज तोड़ता है तो फिर नया रेंज बनाता है ओके। तो संबंधित हार्ट और hmm. जो चालू करना चाह रहा है ट्रेडिंग करेंसी इज एक्चुअली अ बैड बैड इट्स नॉट करेंसीचुअली बिकॉज वो आपको एक एंट्री एग्जिट रेगुलर एंट्री एग्जिट का अपॉर्चुनिटी देता है इक्विटी इक्विटी hmm. hmm. में एक बार बड़ा मूवमेंट आता है फिर कंसोलिडेट करता है काफी टाइम तक ता, फिर नया मूवमेंट आता है बट करेंसी के अंदर में कंसोलिडेशन का पीरियड इज फार लॉन्गर देन इक्विटी सो इट्स लेस रिस्की रिस्की इसलिए मार्जिन रिक्वायरमेंट भी करेंसी में कम होती है आप एक लॉट इक्विटी में ले रहे हैं जिसका वैल्यू पांच लाख होगा मिनिमम mm -hmm. तो तीस परसेंट मार्जिन होना चाहिए राइट right. कमोडिटी के अंदर में डिपेंड्स अपॉन द कमोडिटी बट उसमें भी टिपिकली दस से पंद्रह का मार्जिन रहता है okay. करेंसी के अंदर में चार परसेंट पांच परसेंट का मार्जिन होता है okay. इसका मतलब अगर आपको एक लाख का पोजीशन करेंसी में लेना है mm -hmm. तो चार हजार पांच हजार रुपए से भी आप पोजीशन ले सकते हैं एक लॉट का ओके okay. अच्छा लॉट साइज करेंसी के अंदर में है बहत्तर हजार बहत्तर हजार सात सौ पचास बस दिस मल्टीप्लाइड बाई साइज ओके क्योंकि थाउजेंड करेंसी का लॉट साइज होता है ठीक okay. है तो ये जो करेंसी है टू थाउजेंड करोगे तो बहत्तर हजार का लॉट साइज पे साइड परसेंट में मार्जिन देखूं hmm. तो चार हजार रुपए का मार्जिन के अंदर में आप काम कर सकते हैं इज इज रीचेबल फॉर पीपल लाइक यू जिनके पास बैंक के अंदर में चालीस पचास हजार रुपए ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाह रहे हैं है। उनके लिए करेंसी इज अ बेटर इंस्ट्रूमेंट टू स्टार्ट ओके और मैंने बताया था ना आपको कि ट्रेडिंग के अंदर में uh, जो लॉ ऑफ इकोनॉमिक्स का जो एप्लीकेशन है डिमांड सप्लाई का प्राइस मूविंग अप बिकॉज डिमांड इज हायर अदर थिंग्स अपर सबसे ज्यादा एप्लीकेशन है करेंसी कमोडिटी में बिकॉज वहां पर एफिशिएंट मार्केट हाइपोसिस बेटर वर्क करता है कि सब कोई बिलीव करते हैं कि जो हो रहा है सही हो रहा है इक्विटी के अंदर में लोग डाउट ज्यादा करते हैं कि ये जो हो रहा है बेकू बनाने का काम हो रहा है hmm. तो इसीलिए एज अ ट्रेडर स्पेशली यंगस्टर

ये सिंपल लाइन स्ट्रेट लाइन डिमांड जोन और सप्लाई जो देख के तुमको पता लग जाएगा कि अगर एक प्राइस पे बार बार बाइंग आ रहा है जैसे ये 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 वाला देखो ये ये देखो प्राइस प्राइस पे पर आया 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 फिर उपर, आया फिर उपर, आया फिर उपर, आया फिर ऊपर 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 तो ये जो है हो सकता है आरबीआई यहाँ पर रहा हो सेवेंटी टू एटी के पास में तो तुमको पता है जब भी ये प्राइस नीचे टूटेगा क्योंकि आरबीआई ने अब अपना सपोर्ट हटा दिया नीचे गिर गया तो इसका मतलब यहाँ से एक नीचे की तरफ मूवमेंट मिल सकता है जो कि मिला ही मूवमेंट ओके तो टेक्निकल एनालिसिस इन द मोस्ट सिंपलिस्टिक मैनर वर्क्स द बेस्ट इन यूएसटी आय ओके एक्साइटिंग है ना ये? इसमें खाली एक ही चीज देखना होगा हमको कि इथ इज यूएसडी आयन इसका मतलब डॉलर का जो मूवमेंट है वो भी इसमें इम्पैक्ट करेगा तो एज अ यूएसटी आई ट्रेडर हमको डॉलर भी ट्रैक करना है और डॉलर ट्रैक करने के लिए हमको क्या ट्रैक करना होगा डॉलर इंडेक्स, डौलर इंडेक्स फैंटास्टिक। तो आइडियली आपका चार टेम्पलेट ऐसा होना चाहिए कि आप डॉलर इंडेक्स को ट्रैक करें डॉलर इंडेक्स से ही अल्टीमेटली सब चीजों में मूवमेंट आता है इक्विटी में भी बॉन्ड में भी करेंसी में भी सब में उसके कारण ही मूवमेंट आता है वो मदर है ठीक है उसको अगर आप ट्रैक करोगे तो उससे आपको इक्विटी का भी आइडिया लगेगा कि वहाँ क्या हो सकता है hmm. उससे आपको यूएसडी आई का भी आइडिया लगेगा कि यहाँ क्या हो सकता है hmm. उससे आपको गोल्ड का भी आइडिया लगेगा कि वहाँ क्या हो सकता है तो इवेंचुअली यू बिकम अ मल्टी एसेट ट्रेडर